शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप सबको पता है, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो इंसानियत की भी तजलील है, जिसका ज़िक्र करना भी मेरे ख़्याल से इंसान को अच्छा नहीं लगता और मुनासिब नहीं लगता। इसका नोटिस सिर्फ मैंने नहीं, आप लोगों ने नहीं, बल्कि सारी इंसानियत ने ही इसका नोटिस लिया है। गुज़िश्ते दो तीन दिनों से वज़ीर आला साहब मुसलसल इस चीज़ के बारे में आगाह हैं और नोटिस लेते रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस किस्म की जो इंसानियत की तजलील हुई है, इन दरिंदों को उनके मुकाम पर पहुंचा कर अपने इंसान होने का फ़र्ज़ अदा किया जाए। तो इसमें बलूचिस्तान पुलिस का अहम किरदार रहा, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की और जो हुकूमत की तरफ से उनको हिदायत दी गई थी उसके मुताबिक जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो मालूमात ली जा रही हैं, तो बलूचिस्तान पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे दरिंदों को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा और क्वेटा के बासी, बलूचिस्तान के बासी और पाकिस्तान के बासी मुतमैन हों कि उनकी हुकूमत, उनके इदारे अपने काम से बखूबी वाकिफ़ हैं, अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं और जो भी इस किस्म की दरिंदगी का मुजाहरा करेगा, दरिंदगी की हरकतें करेगा, तो वो हुकूमत और उनके इदारों से नहीं बच पा सकेगा इंशाल्लाह। देखें, सारे केस के बारे में मालूमात ली गई डीआईजी साहब से। डीआईजी साहब ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उससे गवर्नमेंट बिल्कुल मुतमैन है, लेकिन अभी एक आप लोग को पता है एक तफ्तीशी अमल से चल रहा है केस, और इस वक्त अगर तफ्तीश के हवाले से कोई बातचीत की जाएगी, मैं समझता हूँ उससे मुलजिमान को फ़ायदा पहुँच सकता है। सर, जिस तरह से वुमेन यूनिवर्सिटी का वाकया सामने आया, फिर उसको आगे तक नहीं चल सका, मामला दब गया, उसके बाद फिर ये वाकया पेश आना और अब एक हेल्पर आई हॉस्पिटल में भी एक वाकया सामने आया जिसमें एमएस के ऊपर इल्जाम आए थे कि उन्होंने नर्स को जो है वो हरासा करने की कोशिश की है, यज्ञ के बाद दीगर ये वाकया पेश आ रहे हैं, इनकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है और क्या वजूहत है कि केस शुरू में तो बहुत हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद दबा दिए जाते हैं? देखिए, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे इंसानी अफसोस वाकया जहाँ भी होंगे हमारे इदारे और हमारी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। पहले भी हम आप लोग की खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि ऐसे मामलों में सियासत ना की जाए, इदारों को छोड़ा जाए ताकि वो अपना काम करें। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मामले मेरे स्पीच देखें, असम्बली के अंदर भी मैंने यही कहा है कि ये सियासत की नज़र हो रही है और इसी वजह से इस केस को नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा सर, इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां इस टाइम तक हुई और कुछ जो है जो खातिन वगैरह हैं अफगानिस्तान में उनसे आप लोगों ने रابطہ किया अफगान हुकूमत से उनको लाने के लिए? सवाल देखें, गिरफ्तारियां इसमें अभी तक दो हो चुकी हैं, मजीद अफगानिस्तान के साथ वफाकी हुकूमत के रابطے हैं, इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो जाएगा। इसमें अभी तक इसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है और पुलिस बिल्कुल आज़ाद है। पुलिस को सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी किस्म का भी दबाव आपको कबूल नहीं करना है और पुलिस उसी ट्रैक पे चल रही है और इंशाल्लाह हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है कि छोटे छोटे अपने उससे सिफारिशों से या इन चीज़ों से वो झुक जाए। देखिए, जब लोग आ जाते हैं, लोग आके पुलिस को इत्तला दे के फिर पुलिस के साथ तावन नहीं करते। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके पुलिस को इत्तला दी लेकिन वो गायब हैं, पुलिस के साथ मजीद तावन नहीं कर रहे। जब तक हम पुलिस के साथ तावन नहीं करेंगे, पुलिस चीज़ों को आगे ले जाने में पुलिस के लिए मसले होंगे। सर, वो जो रिकवर्ड डेटा था, वो क्या महफूज हाथों में? दूसरा ये बताइएगा, क्या उसको अब तक सील किया जा चुका है या नहीं किया? क्योंकि यज्ञ के बाद हम दिगरे देखते हैं कि उनमें से चंद एक वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है।
देखिए सोशल मीडिया में चीज़ें उस वक्त आ गईं जब वो चीज़ें पुलिस के साथ नहीं थी। पुलिस एक जिम्मेदार इदारा है, वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है, सारी चीज़ें महफूज हैं, कोई इसमें मुलव्वस हुआ वो बच नहीं पाएगा और कोई इन चीज़ों को गायब भी नहीं कर सकेगा। इस वक्त एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाज था, आज फिर एहतजाज। आवाम को खास तौर पर ख़वातीन को क्या यकीन दहानी कराएंगे बेहाफ हुकूमती नुमाइंदे और वली दाखला? देखिए ये मैंने आपको कहा, ये ऐसा वाक़ जिसका जिक्र भी हम बार बार नहीं कर सकते। एहतजाज ऐसा एक ऐसा अमल हुआ है जिस पर एहतजाज आवाम का हक है, लेकिन हम आवाम से अपील करते हैं कि इस चीज़ों को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और इन जालिमों को अंजाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको अपनी हुकूमत से, अपने इदारों से तआवुन करना होगा ताकि वो इन दरिंदों को उनको अंजाम तक पहुंचा सके। अच्छा, जैसा भी ये जो खवातीन है, इनका कितने का ताल्लुक अफगानिस्तान से है या ये तमाम जो है पाकिस्तान के कोटा शहरी है? और दूसरा, इसमें अब तक सिर्फ दो गिरफ्तारियां, क्या ये आपने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है, सिर्फ दो गिरफ्तारियां पूरे गैंग के हवाले से, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं? देखिए मैंने इसलिए आप लोग की खिदमत में अर्ज किया कि अभी आप लोग तफ्तीश चल रहा है, तफ्तीश के अमल को जाने दें। अगर इसमें हम तफ्तीश की चीज़ों को लाएंगे तो इससे पुलिस को नुकसान और मुलजिमान को फायदा होगा। सर, ये वीडियो स्कैंडल है, इस हवाले से क्या एफआईए से भी कोई मदद ली जा रही है, क्योंकि एफआईए बेहतर तरीके से इन चीज़ों को देख सकता है? पाकिस्तान के तमाम इदारे, हमारे इदारे, जहाँ जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम उससे मदद लेंगे। सर, ये सिविल सोसाइटी जो है वो मुतमईन नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो कमीशन बनाया है ये जो मुलजिमान है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये तशवीश है। देखें, एक कमीशन हो जो भी हो, इस केस में ना कमीशन किसी को बचा सकेगा, ना हुकूमत किसी को बचा सकेगा, ना कोई ताकतवर शख्स किसी को बचा सकेगा इंशाल्लाह। सर, मामला सिर्फ वुमन ट्रैफिकिंग का था या इसमें ड्रग्स के भी एलिमेंट्स हो रहे थे? अभी तफ्तीश जारी है, इसमें सब चीजें आएंगी, जब तफ्तीश अपनी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह हम सब चीजें आपको बता देंगे। सर, वो उसकी सुलह हो गई, फिर कोर्ट चला गया। अच्छा, गवादर के हवाले से भी मसला धरना जारी है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से, अब तक उनको मुतमईन नहीं किया गया जा सका है। गवादर जो है सीपे कब्री है, वहाँ मुकम्मल उसको जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के क्या वजह को अब तक मुतमईन नहीं कर सका? देखिए, इसका वजीर आजम ने भी नोटिस लिया है, इसका वजीर आला ने भी बहुत पहले नोटिस लिया था। मेरे पास एक डिमांड लिस्ट है, वो डिमांड लिस्ट मैं आप लोग के सामने रखूंगा। उसमें 19 डिमांड थे जिसमें से 16 डिमांड गवर्नमेंट ने पूरे की हुए, 3 डिमांड रहते हैं। एक डिमांड उनकी थी ट्रालिंग के हवाले से, उसमें भी उन्होंने कहा, मैं खुद उनके साथ बैठा मौलाना साहब के साथ, उन्होंने कहा बिल्कुल कमी आई है, कम हुआ है, लेकिन मैं अगर उठूँगा ये फिर बढ़ेगा। मैंने कहा अभी इस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं। दूसरी चीज़ थी कुछ बोट्स और कुछ व्हीकल्स कस्टम एक्ट के तहत पकड़े गए। इस मैं ग्वादर था, इस कमरे में यहाँ लोग बैठे, मीटिंग हुई, अभी कस्टम एक्ट को और उसके तहत जो केस होते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे इदारे अख्तियार से ऊपर है। तीसरी बात थी उनके बॉर्डर के हवाले से, बॉर्डर को आप लोग एफसी से लेकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे, इतना बड़ा बॉर्डर, इतनी बड़ी चीज़ें, इसको हम कर रहे हैं, ये होनी भी चाहिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन ये एक रात में नहीं हो सकते है, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी सब इलीगल जो फिशिंग ट्रॉलिंग हो रही थी गवादर में, आज पीएम ने भी नोटिस लिया, अब सूबाई हुकूमत का क्या एक्शन होगा? हमने पहले दिन से ही एक्शन लिया है, आप उनकी तकारीर सुने, वो खुद कह रहे हैं कि उसमें कमी आई है। इसमें वो एक बहुत बड़ा मसला था, वो एक माफिया होता है, जैसे यहाँ करप्शन का भी माफिया होता है, उसको आप एक रात में कंट्रोल कर सकते हैं? डीजी ऑफिस शिफ्ट हो गया, डीजी ऑफिस हमने वहाँ शिफ्ट किए, डीजी वहाँ बैठे हुए हैं, और उनसे खुद आप अभी सवाल करके पूछ लें फिशरमैन से कि उसमें कमी आई है कि नहीं आई है। लॉ एंड ऑर्डर से बदल क्या कहेंगे, पूरे सूबे में जो है वो देखें, बिल्कुल कोयटा के हालात आइडियल नहीं है,
कोयटा के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन आप लोग सारे साफी मुझसे बहुत पहले के इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। कोयटा और बलोचिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार है, या फिर कवारियत, कौम परस्ती वगैरह वगैरह, हज़ारों किस्म की दहशतगर्दों की तंजीमें, एजेंसियां, ये सब काम कर रही हैं। आज कोयटा की हालत इससे भी बहुत बुरे होते अगर हमारे इदारे इस चीज़ में गफलत करते और अपनी जानों का नजराना पेश नहीं करते। मैं समझता हूँ आज कोयटा की हालत जिस हद तक पहुँची है, जितनी इनमें बेहतरी आई है, वो हमारे इदारों की जानों की कुर्बानी देने से। अगर ये गफलत बरते, आज जो हमारे दुश्मनों के जो इदारे हैं, या आए रोज धमाके और सैकड़ों लोग मरते। देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल चल रही है अपने तरीके से, वज़ीर आला साहब उसको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये आजकल एक सोशल मीडिया वगैरह वगैरह में एक ट्रेंड बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हाथ पांव मारना चाहिए। सर, ओवरऑल सिचुएशन में अगर देखें तो हमारे इदारों की और गवर्नमेंट की रेट पे क्वेश्चन मार्क है कि अगर हालात खराब होते, उसका ग्राफ बढ़ता है, उसका क्वांटम ज्यादा होता जा रहा है, मुजाहिरीन को आप नहीं रोक सकते, अस्पतालों की सूरत हाल में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, हैंड ग्रेनेड लॉबिंग, टारगेट किलिंग हर जगह हो रही है, उसके बाद भी आप कहें कि गवर्नमेंट बेहतर अंदाज में काम कर रही है, या कोई एक टाइम फ्रेम दे दें कि उस दिन के बाद से हालात में कुछ बेहतरी आ जाएगी? देखिए, टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, हमारे सारी टीम बैठी हुई है। जब भी कोई स्ट्राइक कर लेता है, गवर्नमेंट की तरफ से हम ओपन एंड दे देते हैं कि जो जायज़ और मुमकिन उनकी मसले